हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने आप जानते हैं कि मैथ्स बोर्ड पे इस पे हम परसेंटेज को लेकर के क्लासेस चला रहे हैं, और जो कि जल्द ही ख़त्म भी होने वाला है। कुछ क्लासेस और हम लेंगे, तो हर एक टॉपिक को मैंने बहुत ही उमदा तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को देखें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के सवालों को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने एक टाइप को देखा था कि जब कभी भी हमारे पास ओरिजिनल प्राइस दिया हो तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे, और जिस पर एसएससी सीधे डायरेक्ट सवाल पूछती है हम उसको डिस्कस करेंगे। रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी, मतलब कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलो, ये सीजीएल का ही सवाल है। ठीक है, तो हम डील करेंगे। तो मैंने दोनों ही सवालों को एक ही क्वेश्चन में, एक ही फ्रेम में कर दिया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बिना वक्त जाए के हुए सवाल को समझते हैं। पहले सवाल का फ्रेम देख लीजिए कैसा है। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो पूछा है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको देखा भी है कि मूल्य प्रति किलो कितना होगा। उसी तरह से अब जो सवाल जो पूछा जा रहा है, जो एसएससी ने पूछा भी है, हर साल पूछती है। ठीक है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलो। ठीक है, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, कैसे करना है मैं आपको तरीका बताऊंगा। विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप चीज़ों को कर लेंगे। तो ध्यान से देखो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे प्राइस। मेरी लास्ट वीडियो जिसने भी नहीं देखी है तो जा करके ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर लिखते हैं हम क्वांटिटी। क्वांटिटी लिख लो या कंजम्पशन लिख लो, बात दोनों एक है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ओल्ड, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं न्यू। हम यूज़ करते हैं यहाँ पे रेशियो मेथड का, अनुपात विधि का। 20% की कमी हो रही है, कहने का मतलब देखो यहाँ पे 20% की कमी मतलब 20/100, मतलब कि कितना हो गया, 1/5। कमी कहने का मतलब कि पहले 5 रहा होगा और 5 में से एक कम कितना हो गया होगा, 4। तो ऐसे ही करते हैं, पहले 5 रहा होगा फिर कितना हो गया, 5 में से एक कम कितना हो गया, 4। इसी का ठीक उल्टा हम यहाँ पे लिखेंगे, 4:5। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने लास्ट क्लास में किया है। अब देखो सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि कमी से एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो देख रहे हो कि क्या यहाँ पे पहले 4 था, अब 5 हो रहा है, और इसी चीज़ का ये गैप कितना है बेटा, ये है 1 यूनिट। कितना गैप है, 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 50 किलो। क्या बात समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। अब देखो ध्यान से, आपको बस इतने तक आपने कर लिया। ठीक है, अब इसी के बाद ही अपने को ये दोनों सवालों का इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, बात करते हैं पहले वाले के बारे में, जब अपने को बताना है ओरिजिनल प्राइस पर केजी। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी के लिए क्या करना है, सिंपल सा टेक्निक ये है कि जो भी आपके पास ये टोटल कॉस्ट दिया गया है उसको आप बेटा रखेंगे ऊपर। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हो गया। ओरिजिनल प्राइस के लिए हमेशा हम इस पर फोकस करेंगे, और घटे हुए प्राइस के लिए हमेशा हम इस वाले वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो 1 यूनिट का दाम अगर 50 किलो है, तो 4 यूनिट का दाम कितना हो गया, 4 × 50, मतलब कि 200। ठीक है, सीधे सीधे कट करते हैं, कितने बार में जाएगा, 5 का 9 बार में, यानी कि 9/4, मतलब प्यारे बच्चों कितना हो गया, ₹2.25। ये हो गया बेटा आंसर। ठीक है, किसका, मूल्य प्रति किलो, यानी कि ओरिजिनल प्राइस पर केजी का। बात समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं बेटा घटा हुआ मूल्य, यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस को हम इससे निकालेंगे, रिड्यूस्ड प्राइस को इससे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। फिर से आते हैं, टोटल जो मूल्य दिया हुआ है, जो टोटल कॉस्ट है, उसको ऊपर रखना है। अब उसके बाद अगर 1 यूनिट का दाम है 50 किलो, तो 5 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 5 × 50, यानी कि 50। सॉल्व करते हैं, 0 से 0। ठीक है, ये 5 का कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9/5। क्लियर है, मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 40, मतलब 5 × 8 = 40, मतलब 1.8 रुपीज़। क्या बात समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सवाल में ओरिजिनल प्राइस पर केजी और रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। फिर से बता रहा हूँ, पहला वाला आप जो सॉल्व करोगे वो ओरिजिनल प्राइस के लिए रहेगा, दूसरा वाला रिड्यूस्ड प्राइस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल एसएससी बार बार पूछती है और पूछा करती है।
आगे बढ़ते हैं और सवालों को ट्राई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रिड्यूस्ड प्राइस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखो, पूरा का पूरा सवाल एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। रिडक्शन कितने का हो रहा है? 15% का इन द प्राइस ऑफ वीट इनेबल्स अ हाउसवाइफ टू बाई 6 kg मोर। कितने रुपए में? 2720। हमको बताना रिड्यूस प्राइस का, ओरिजिनल प्राइस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, दोबारा बोल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर से इसमें वही फंडा लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। रेशियो मेथड का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पे न्यू। देखो 15% का मान कितना होता है? 3/20। कमी हो रहा है, इसका मतलब पहले कितना रहा होगा? 20, उसके बाद 20 में से 3 कम हुआ, कितना हो गया? 17। ठीक इसका उल्टा हम यहाँ पर लिख देंगे 17, और फिर क्या हो जाएगा बेटा? 20, ठीक है। रिड्यूस प्राइस कहने का मतलब हमको क्या निकालना है? 20 यूनिट का वैल्यू। अब देखो ध्यान से, ये गैप कितना है? 3 यूनिट का, ठीक है। 3 यूनिट का गैप है, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस्ड प्राइस हम क्या बोलेंगे? जितना भी अमाउंट टोटल दिया हुआ है उसको रखेंगे ऊपर, 2720 रुपये। अब उसके बाद अपने को कितना बताना है? 20 यूनिट का। अब देखो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 6 kg। अगर 3 का मान 6 kg है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 kg। बात समझ में आ रहा है? तो 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 × 2। क्या बात समझ में आ रहा है? हमको केवल और केवल 20 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 1 का मान पता चल गया तो 20 का निकाल दिए। देखो 0 से 0 कटा, 4 ये हो गया, 4 का कितने बार में जाएगा? 6 टाइम्स में और 8 टाइम्स में, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ₹68, ठीक है। तो 68 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये आपका उत्तर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीजीएल टीयर 1 2021 का ये सवाल बेटा पूछा गया, आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडों में आप इन सवालों को करेंगे, बस आपको इसका सही तरीका पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखिए आपके सामने, सीजीएल टीयर 1 2021, ठीक है। सवाल बिल्कुल वही है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हूबहू ऐसे ही सवाल आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी समय इसमें वेस्ट नहीं करते, ध्यान से देखो, नमक की कीमत में 15% की कमी हो रही है और उसके वजह से 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाते हैं। हमको घटा हुआ कीमत बताना है कि क्या होगा। सिंपल सी बात है, 15% की कमी यानी कि पहले कितना रहा होगा? 20, ठीक है। देखो ध्यान से, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो 15% का मतलब कितना हो गया? 15/100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 का 3 बार, 5 का 20 बार। अगर कमी हो रहा है कहने का मतलब कि माइनस, अगर बढ़ रहा होता तो प्लस। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया? 20 में से 3 माइनस कर गए, कितना हो गया? 17। उसी तरह से ये कितना हो गया? 17 से 20। समझ में आ गया? हमको कितने का वैल्यू पता करना है? 20 यूनिट का। तो ध्यान से देखो, डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 272 आपको ऊपर लिखना है, जो टोटल मूल्य है, ठीक है। 1 यूनिट का अपने को दाम देखते हैं, ठीक है ना, कितना किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है? 2 किलो। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना है? 3 यूनिट का गैप। तो 3 यूनिट का मान कितना है? 2 kg। तो 1 का मान कितना आ गया? 2/3 kg। क्या बात समझ में आ रहा है? तो 20 का मान कितना आ जाएगा? 20 का हो जाएगा 2/3 × 20। क्या बात समझ में आ रहा है? इसको अगर हम चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो लिख देते हैं। 20 यूनिट का मान कितना हो गया? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, 2/3 × 20। क्लियर? बस सॉल्व करना और कुछ नहीं, 272 / 2×20 यानी कि 40। क्लियर? अब देखो ये 10 को यहाँ रहने, तो बाकी को कर दो। आप अभी देखेंगे, अभी आपने किया था, 4 का 68 टाइम्स जाएगा, 3 × 68 कितना हो जाएगा बेटा? 3 × 24 = 20। डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा? 20.4 रुपीज़। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 20.4। क्लियर है? ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी कर पा रहे हो। क्लियर है? देख लो, बहुत ही प्यारा सवाल है, रिड्यूस्ड प्राइस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड 1 या 2 सवाल आपको हर सेट में मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? यही तरीका, रेशियो मेथड सबसे बेस्ट तरीका होता है, दूसरा तरीका यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और आपकी जब ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको मन में भी कर सकते हो कि आपने सीधे सीधे, आपको ये दिमाग में आपने बैठाया, आपको पता करना है इसका कितना यूनिट, इसकी वैल्यू होगी, सीधे आपने डिवाइड किया और आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बेटा वीडियो इतना ही है, ठीक है। रिड्यूस्ड प्राइस के कॉन्सेप्ट को मुझे आपको बताना था,
तो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी तरह के तमाम सवाल थे मैंने आपको सारे करवा दिए। मैंने आपको ओरिजिनल प्राइस कैसे बताते हैं वो भी बता दिया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ज़रूर देखना। और आज मैंने ये भी बता दिया कि रिड्यूस्ड प्राइस, घटी हुई कीमत को भी किस तरह से निकाला जाता है, बस आपको इसका सही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन पे बेस्ड जो सवाल पूछे जाते हैं परसेंटेज के, जिसका कि अभी 2023 में 2 से 3 सवाल पूछे ही गए हैं, तो हम उसको डील करेंगे कितने आसानी से हम कर सकते हैं। तो वेट करिए मेरी अगली वीडियो का, और जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट नेक्स्ट टाइम।